आज हम लोग जो मीशो पे वायरल है ना अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम जो है लैटिबुले तो इसका मैं आज आप लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन और साथ के साथ ना रिव्यू बताने वाली हूं तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो मीशो का स्किन वाइटनिंग अंडर आर्म्स वाइटनिंग क्रीम है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है बहुत ज्यादा फेमस है फ्रेंड्स तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स ठीक है जी सो so, ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी हर चीज की बात करेंगे प्राइजिंग की बात करेंगे साथ के साथ इसको मैं लगा के दिखाऊंगी डेमो दिखाऊंगी इसकी ओपनिंग दिखाऊंगी इसका टेक्सचर दिखाऊंगी इसके इंग्रेडिएंट्स पे हम लोग बात करेंगे और साथ के साथ आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं इस क्रीम के बारे में जो कि एक वाइटनिंग क्रीम है मीशो पे मिलती है सो so, ये वीडियो जो है आप लोग एंड तक जरूर देख लेना और साथ में अगर मेरे चैनल पे नए हो मुझे पहली बार देख रहे हो या मुझे देखते रहते हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो so, इस वीडियो पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा वो क्लिक करके ग्रे कर दो और साथ में एक बेलाइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू आप लोग को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर हेयर केयर एंड हेल्थ रिलेटेड सब्सक्राइब so, करना बिल्कुल ना भूलिए लेट्स स्टार्ट वो वीडियो हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा ही वायरल हो चुका है यूट्यूब पे भी एंड सोशल मीडिया पे भी एंड मीशो पे बहुत सारे लोग जो है बिना सोचे समझे एडवर्टाइजमेंट पे जाके ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं सो फाइनली आई थॉट कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रोडक्ट बाय करती हूँ और ये ट्राई आउट करूंगी दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो मैंने खुद ये बाय किया है जस्ट फॉर यू फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि इसका नाम है लेटीबुल अंडर आर्म क्रीम ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है ये एक मीशो का है फ्रेंड्स ठीक है ये आपको एमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे नहीं मिलेगा ये मैंने मीशो पर ही देखा है ठीक है जी सो so, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की जैसे कि मैं इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि हमें इन्ग्रीडियंट से ही पता चलेगा ये कैसे काम करने वाला है लाइक like, व्हाइटनिंग है सो लेट्स सी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ठीक है तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है वो है इसके की इनग्रीडियंट्स यहाँ पर यहाँ पर फ्रेंड्स मेंशन किए गए हैं मैं ट्राई करूंगी कुछ फोकस वगैरह इसमें दे दूं अगर आपको इस समय विजिबल नहीं है तो मैं ट्राई करूंगी अलग से एक शॉट इसका मैं दे दूं इसके अंदर डाला गया है फ्रेंड्स मिल्क मिल्क होता है फ्रेंड्स आप ब्लीचिंग एजेंट है एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट माना जाता है मिल्क को भी जो कि बहुत ही माइल्डली एक्सुलिएट करता है सेकेंड इसके अंदर है रोज वाटर जो कि बहुत हाइड्रेशन देता है और आई थिंक सो मिक्सिंग करने के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा ये इंग्रेडिएंट ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया है ऑरेंज पील विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स क्योंकि ऑरेंज पील क्या करता है ये होता है एक सिट्रिक एसिड होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है ऑरेंज में क्योंकि ये थोड़ा खट्टास में होता है तो ये स्किन ब्राइटनिंग और थोड़ा सा स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए या डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ठीक है सो ऑरेंज पीली डाला गया है विट्स अ गुड थम्स अप ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया है फ्रेंड्स वाइटमिन सी वाइटमिन सी भी खटास होती है फ्रेंड्स ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है बट आई डोंट थिंक सो एस्कॉर्बिक एसिड इसमें डाला गया है प्योर वाला नहीं डाला होगा वाइटमिन uh, सी डाला है आई थिंक नॉर्मल वाला वाइटमिन सी डाला होगा इसके अंदर सो so, जो कि आपकी स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में हेल्प करता है डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है अनइवन टोन को ठीक करता है ठीक kind of है नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया है फ्रेंड्स वाइटमिन ई जो कि आपकी स्किन को काफी हाइड्रेट हाईड्रे, करेगा साथ में आपकी स्किन को प्लम करेगा फाइन लाइन्स वगैरह को कम करेगा ठीक uh, kind of है नेक्स्ट इसके अंदर डाला है कोकोनट टर्मरिक कोकोनट आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है टर्मरिक एक एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर जो कि फाइट करती है बैक्टीरिया से कोई बिल्डअप वगैरह हो रहा है उसको कम करेगा पिंपल्स हो रहे हैं उसको कम करेगा आपकी स्किन को एक निखार देगा ठीक है टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं हल्दी अच्छा जी इसके अंदर डाला गया है कैफीन कैफीन फ्रेंड्स आपकी स्किन के कोलाजन को अच्छे से बूस्ट करता है और आपकी स्किन को एक पॉपअप दे देता है मतलब एक एक धक्का देगा आपकी स्किन को एक मतलब प्लम सा देने के लिए जैसे नींद सा उठते हैं और कॉफी पीने जैसे दिमाग खुल जाता है ना इट्स जस्ट सेम लाइक आपकी स्किन को भी ये एक धक्का देगा और एकदम से मतलब आपकी स्किन फ्रेश अप होगी एंड uh, बहुत प्लम दिखेगी और हाइड्रेटेड दिखेगी अच्छा जी नेक्स्ट इसके अंदर डाले गए मैंथोल आई थिंक सो ये थोड़े से इंग्रीन डाले हैं ताकि प्रेजर्वेटिव काइंड ऑफ और इसके अंदर डाला गया है टी ट्री ऑयल जो कि आपके अगर पिंपल्स हो रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हो रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से काम करता है इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके पिंपल्स एंड एक्नेस को कम करती हैं नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एलोवेरा आई थिंक सबको पता होगा घर पे भी मिलता है लाइक बहुत डीएवाइज में भी यूज किया जाता है एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं एक तो हाइड्रेशन देता है एंटी होता है साथ में आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से उसको क्लींस करता है ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर है कुकुम्बर ये भी सेम प्रॉपर्टीज है सैंडल वुड जो कि आपके डार्क स्पॉट्स वगैरा को रिमूव करेगा उपटन पाउडर है उपटन पाउडर आपको निखार लाता है ठीक है उपटन हम बच्चों को भी लगाते हैं शादी जिसकी हो रही होती है उसको भी उपटन लगता है लड़का हो चाहे लड़की हो आप लोगों को पता होगा ठीक है सो so, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है इंग्रेडिएंट्स काफी सारे हैं और आई थिंक सो सारे ही नेचुरल हैं डेफिनेटली इसके अंदर थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव भी होंगे ताकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को जो है प्रिजर्व रखे और जल्दी खराब ना हो ठीक है जी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हुआ आइसक्रीम में कि ये पैराबिन फ्री है सल्फेट फ्री है ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स ठीक है सो so, डेफिनेटली इसके अंदर इसके साथ साथ मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो डेफिनेटली है और काफी अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर बट कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है कि पैराबिन फ्री है या ऐसा सल्फेट फ्री है या कुछ ऐसा है ठीक है सो यहां पर लिखा हुआ है हंड्रेड परसेंट प्योर नॉन जी एमओ हंड्रेड परसेंट नैचुरल ठीक है ये तो मुझे लगता है कि हंड्रेड परसेंट नैचुरल है ये सारी चीजें मुझे लग रही हैं कि होंगी बट आई डोंट थिंक सो ये पैराबिन फ्री होगा ठीक है अच्छा जी सो so, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैकेजिंग की इतनी क्यूट सी पैकेजिंग आती है ये ठीक है देखने में तो छोटी सी और बट अच्छी सी है अब मैं आपके सामने इसको खोल रही हूँ ठीक है जी ओके क्योंकि मैं आप लोगों के सामने खोल के टेस्ट करना चाहती थी ओके मैंने इसको लिया है फ्रेंड्स एंड आप इसका टेक्सचर देख सकते हो लाइक काफी क्रीमी है और कहते हैं ना फ्रोस्टेड काइंड ऑफ है आप देखो बहुत क्रीमी है ठीक है खुशबू से मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ परफ्यूम भी डाला हुआ है खुशबू थोड़ी परफ्यूम काइंड ऑफ आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ परफ्यूम भी है इसके अंदर बट वो यहाँ पे मेंशन नहीं है इंग्रेडिएंट लिस्ट में ठीक है जी सो so, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको हमने यूज कैसे करना है आपने अपने पहले अंडर आर्म्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है ठीक है किसी भी माइल्ड क्लिनजर से कर लेना है या आपने कोई भी बॉडी वॉश से कर लेना है या कुछ भी नहीं है तो सोप से भी कर सकते हो उसको अच्छे से आपने ड्राई करना है थोड़ा सा आपने अमाउंट लेना है पर्टिकुलर एरिया पे आपने लगा के इस तरीके से मसाज देनी है ठीक है एक मिनट की मसाज दीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ठीक है जी आपने इसको यूज करना है ट्वाइस ठीक है मॉर्निंग एंड आपने करना है नाइट टाइम और फ्रेंड्स इसमें काफी क्लियरली लिखा हुआ है इसके ऊपर ही कि आपने इसको कम से कम पांच से छह महीने रेगुलरली यूज करना है इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए आई थिंक सो ये नेचुरल है इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स स्टेराइड वगैरह तो खैर नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा ना टाइम लेगा आपको रिजल्ट देने में ठीक है जी मैं इसको ऑलरेडी ट्राई आउट कर रही हूँ सो so, इसके जो बेस्ट रिजल्ट मुझे अगर मिलते हैं अगर मिलते हैं तो आई एम नॉट श्योर अगर मुझे मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोग के पास फिर से भी वीडियो लेकर आऊंगी कि मुझे रिजल्ट इसके मिले हैं या नहीं मिले हैं या मिलते भी है या नहीं ठीक है ये फर्स्ट इम्प्रेशन एंड द रिव्यू वीडियो थी और ये मुझे अराउंड पड़ी थी एक सौ पंद्रह की या एक सौ दस की बस इतनी ही है और यहाँ पे एमआरपी लिखी हुई है थ्री नाइन्टी बट आपको बहुत सस्ती मिलती है एंड कितनी क्वांटिटी होगी कितनी होगी यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है कि इतनी क्वांटिटी है ये बट इतनी छोटी सी डब्बी आपको मिलती है वन uh, मंथ या वन एंड हाफ मंथ चल जाए ये क्रीम सुफिशेंट होगी शायद चल जाए ठीक है क्योंकि लगती थोड़ी सी और बहुत थिक है और हम जैसे क्रीम को नहीं फैटते फूल जाती है उस तरीके से फूली हुई है तो ये डेफिनेटली एक डेढ़ महीना चल जाएगी ये तो बजट फ्रेंडली तो है फ्रेंड्स कितनी इफेक्टिव है मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती अभी जो वायरल uh, वीडियोस में दिखाया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से दिखाया जा रहा है बिल्कुल वाइटनिंग हो जाएगी वो चीज दिखाई जा रही है तो मैं इसको यूज करके आपके पास फिर से आऊंगी डेफिनेटली ठीक है जी सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो पसंद आई हो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय